हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रभा दुबे ब्लॉग में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आटे का लच्छा पराठा, और ये मसाला लच्छा पराठा है क्योंकि इसे मैंने मसालेदार बनाया है। बहुत ही आसानी से ये घर पर बन जाता है। देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। आप मैदे से भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने इसमें। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने पानी की सहायता से इसे गूंथना शुरू किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसको अच्छी तरह से मसल कर एकदम रोटी के जैसा सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार करना है। देखिए आटा लगभग लग के तैयार हो चुका है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मसल मसल कर तैयार करना है। सॉफ्ट आटा लगा है। इसको और चिकना करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल और ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए। ये देखिए आटा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसे हम और अच्छी तरह से मसल के 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने जीरा पाउडर लिया है, और साथ में अमचूर पाउडर भी है, काला नमक है और सादा नमक भी इसमें ऐड किया है। ये सभी मसाले हमने ड्राई ही मिक्स कर लिए हैं। साथ में यहाँ गरम मसाला लेना है और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यही ड्राई मसाला हम अपने लच्छा पराठों में यूज़ करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा आटा तैयार हुआ है कि नहीं। ये देखिए आटा पहले से फूल गया है। 15 से 20 मिनट मैंने इसको ढक कर रखा था। इसे मैं फिर से अपने हाथों से मसल कर चिकना कर लेती हूँ ताकि इसके एकदम ही सॉफ्ट और क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हों। चलिए पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लकड़ी के पटे पर अच्छा आटा लगा लिया है, सूखा आटा। इसकी आप अपने मन के हिसाब से छोटी बड़ी लोइयाँ बना सकते हैं, जिस भी शेप का आप पराठा खाना चाहें। लोई तैयार हो चुकी है। इसे अच्छी तरह से हाथ से गोल कर लिया है और सूखा आटा लगाते हुए इसे पतला बेलना है। बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं वैसे हमें इसे बेलना है और अच्छा पतला तैयार कर लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने बढ़िया तैयार कर लिया है, इसको बेल लिया है। बस इसी तरह से हमें पतला रोटी के जैसा इसको बेलना है। ये देखिए तैयार हो गया है। इसे बहुत ही अच्छा पतला मैंने बेल के तैयार कर लिया है। बस इतनी ही पतले हमें रोटी के जैसे इसको बेलना है क्योंकि अभी हमें इसमें मसाला भी लगाना है। मसाला लगाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल छिड़क लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पराठे घी और तेल दोनों में ही बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।
जो पराठे हम बाज़ार में खाते हैं, मार्केट में लच्छा पराठा, अब फ्रेंड्स हम घर पर भी आसानी से इसे तैयार कर लेते हैं। तेल लगाने के बाद मैंने इसमें वही जो सूखा मसाला हमने बनाया था वो छिड़क लिया है। इसे मैं अच्छे से हाथ से फैला देती हूँ, क्योंकि आगे की प्रोसेस जो है वो भी हमें हाथ से ही करनी है। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला पूरे में लग गया है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं हम इसे शेप देना। देखिए लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें ऐसे मोड़ते हुए चलना है और हाथों से मोड़ते हुए हमें पूरे पराठे को इसी तरह से घुमा घुमा कर पट्टियों में चिपका लेना है। देखिए इस तरह से हमने सारे पराठों को सारी लेयर्स को चिपका दिया है और लास्ट में इस तरह से प्रेस करते हुए लोई का आकार दे दिया है। अब हमारी ये दूसरी लोई तैयार हो गई है। इसे भी हम सूखा आटा छिड़क कर अच्छी तरह से दोनों तरफ लगाकर पतला सा बेल लेंगे। अब ये हमारा पराठा बनना शुरू हो गया है। पराठे को लच्छे का आकार देने के लिए ही हमें इसकी जो स्ट्रिप्स बनानी पड़ती हैं लाइंस, उसके लिए हमें पहले तेल लगाना है और मसाला छिड़क कर हमें उसको लच्छा पराठा का शेप देना है। अब आप इसे चाहें तो मोटा बनाएं, चाहें तो पतला, जैसा भी आप खाना पसंद करें। मैंने इसे वापस फिर से उसी शेप में पतला बेल दिया है जैसा कि मैंने पहले बेला था मसाला लगाने से। देख लीजिए इतना पतला मैंने फिर से बेल लिया है इसे। अब हम इसे सेक लेते हैं। पराठे को सेकने के लिए मैंने पहले से तवा गर्म होने रख दिया था। तवा गर्म होने के बाद ही हमें इसमें पराठा डाल देना है और दोनों साइड से हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है। गैस को मैंने धीमा ही रखा है क्योंकि ये धीमी धीमी आंच पर अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। पराठे की एक साइड पर मैंने तेल लगा दिया है। यहाँ भी आप सेकने के लिए बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं पराठे। दोनों तरह से हमें लाल होने तक, सुनहरा होने तक इन्हें सेकना है। देखिए एक साइड सेक चुकी है, हल्का सा कलर इसमें चेंज हो गया है। बस इसी तरह से हमें तेल लगाकर दोनों साइड अच्छे से सेक लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमें तवे को एकदम से गर्म तवे पर ये पराठा नहीं डालना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि पराठे में एकदम से जल भी सकता है पराठा या फिर अंदर से कच्चा भी रह सकता है। इसलिए हमें इसे नॉर्मल ही टेम्परेचर पर सेकना है। देखिए मैं आसानी से इसे प्रेस करते हुए भी सेक रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पराठे सेक के तैयार होने लगे हैं। ऐसा ही कलर हमें पराठों में चाहिए, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए हमारा पराठा सिक कर तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी पराठे भी हमें तैयार करने हैं। चलिए इसे हम अच्छी तरह से निकाल देते हैं। बस इसी स्टेज तक हमें इसको सेकना है। काफ़ी अच्छा सिक गया है पराठा हमारा दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुका है ये पराठा। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इन पराठों को आप अपने मन के हिसाब से, चाहे तो दही के साथ, हरी चटनी के साथ, जैसा भी आपका मन करे आप इनको खा सकते हैं। ये मुझे हरी चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चे सॉस में भी खाना पसंद करते हैं। तो नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर पे आसानी से मिल जाते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी, कितने बढ़िया पराठे बनकर तैयार हुए हैं, और वो भी बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो गए हैं। आटे से बने हैं, ये आपका पेट भी ख़राब नहीं करने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़, लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।